नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये है नौकरी का पोर्टल, जहाँ पे अगर आप जॉब प्रोवाइडर है या एम्प्लॉयर है, आप यहाँ से जॉब पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर की सर्च कर रहे हैं या मार्केटिंग का की सर्च कर रहे हैं, नौकरी का पोर्टल यूज़ करना चाहते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके ऊपर पूरा फुल डिस्क्रिप्शन में हम बात करेंगे कैसे आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, इसमें और क्या क्या फैसिलिटी है, वो सारा चीज़ आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये है इसका लॉगिन, और रजिस्टर करने के बाद होम स्क्रीन ऐसा आता है, उसके बाद उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं। जॉब और डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद ये पेज खोलता है, फिर आपको बाय नाउ करना होता है। बाय नाउ के बाद ये आपको एक नए पेज में रीडायरेक्ट करता है, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है, ये 4,000, ये 6,500, ये आपके लिए क्या है, यह है वर्चुअल एचआर। ये आपके लिए कैंडिडेट हायर करेंगे और उसके हिसाब से बात करके आपके लिए एक जॉब शेड्यूल करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ये ऑप्शन लेने के लिए, क्योंकि उससे मुझे लगता है थोड़ा वो पैसा में ना आप ज़्यादा काम करा सकते हो। मैं जो ये ले रहा हूँ ना, मेरा ये है जो क्लासिफाइड वाला, और मैं जो ले रहा हूँ 400 रुपये ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का है ये नॉन मेट्रो। नॉन मेट्रो में 400 रुपया में मिलने वाला है। अगर वहाँ से यहाँ पर मेट्रो चल गया भुवनेश्वर में, तो फिर ये फिर हमारे लिए पड़ने वाला है 850 रुपये, और हॉट वैकेंसी जो है वो है 1650 रुपये। तो भाई इन तीनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दो चीज़ का ऑप्शन है जो हमें मुझे लगता है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इसे भी हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया, मतलब एक हो गया बूस्ट द जॉब हो गया, तो बूस्ट जॉब ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, बस आपको ना डिस्क्रिप्शन का फर्क आता है। आप इसमें लिमिटेशन होता है और इसमें लिमिटेशन नहीं होता है, यही दो चीज़ होता है। और ये ब्रांडिंग, जॉब ब्रांडिंग, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये पहले ले हॉट वैकेंसी ले चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है, तो आपको नहीं लेना है ये वाला चीज़ भी, आपको नहीं लेना है ये जो आपको दिखा रहा है। मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो उससे अच्छा है आप एक लोकल कंसल्टेंसी को हायर कर ले, वो करीबन 7.5 पे ले लेते हैं, बच्चे हायर करते हैं, उससे अच्छा है जो 7.5 में हायर करते हैं। पर उससे अच्छा आप उनमें बार्गेनिंग करेंगे तो उससे भी वो कम आ जाएगा। आप वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी सिटी सी में काम करना चाहते हैं या बच्चों को हायर करना चाहते हैं। तो ये अभी मैं आपको दूसरे पेज पे लेके आता हूँ। जैसे ये हो गया मैंने जॉब एंड ये डिटेल्स, तो ये डिटेल्स मेरे रेस्पॉन्सेस में क्या है ना, मैंने आज तक क्या क्या लिया हुआ है उसका डिटेल्स। ये सिर्फ 3 दिखा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 2024 का दिखा रहा है शायद, पता नहीं। पर बाकी भी मैंने बहुत यूज़ किया, अभी दिखा नहीं रहा है, इसको रिसर्च करना पड़ेगा क्यों नहीं दिखा रहा है, वो सब छोड़ दीजिए। अभी हम अपने मुद्दे पे चलते हैं, जैसे कि मुझे अभी कुछ दिखाना है आपको हॉट वैकेंसी पे। आपको जैसे कि मैं सब बोल रहा था, तो वो उसी पेज पे आता है। तो इस पेज पे क्या है ना, मैं आपको थोड़ा लेके जाता हूँ नीचे नीचे और नीचे। चल भाई, ओके आ गया। ये वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप ना एक साथ 3-4 कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं या मल्टीपल कैंडिडेट्स को हायर करना चाहते हैं, ये वाला पैकेज आप ज़रूर लीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, आपको 4,000 में 100 रिज्यूम आपको एसेस मिल जाएगा, और उसमें आप कैंडिडेट्स ना आराम से हायर कर सकते हैं। और इसमें क्या है ना, बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब आप इसमें हज़ार हज़ार कैंडिडेट्स देख सकते हैं। जब तक वो कैंडिडेट को आप क्लिक नहीं करते उनका नंबर के लिए, तब तक वो अकाउंट नहीं होता है। मतलब आपको अगर 100 कैंडिडेट को क्लिक करते हैं उनका नंबर देखने के लिए, तब जाके वो अकाउंट होता है। ये सबसे अच्छा चीज़ है, मतलब मैं भी कभी कभी ये वाला यूज़ किया हूँ। और इसमें आप इसमें हैक ये कर सकते हैं ना, आप अगर ये ज़्यादा पैसा हो रहा है आप लेना नहीं चाहते, क्योंकि इसका वैलिडिटी 15 दिन का है, आपको लग रहा है 100 कैंडिडेट को रीच करना 15 दिन में थोड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे ना, आप लोग के लोकल जो भी नौकरी के एग्जीक्यूटिव रहेंगे उनसे बात कर सकते हैं। ये वाला आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट में मिलेगा, जरूरत पड़ा तो वैलिडिटी 15 डे ना, वो 30 डेज में हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये 4,000 प्लस GST होता है ना, वो विथ GST 4,000 में भी मिल जाएगा। आपको पता नहीं है कौन लोकल एग्जीक्यूटिव है, आप पूरे इसको बाय नाउ तक जाइएगा, फिर वहाँ से इसको छोड़ दीजिएगा, फिर उनके वहाँ से कॉल आएगा कि ये सर आप कोशिश कर रहे थे लिए नहीं, तो आप बोलिए समझ में नहीं आया, तो फिर आप लोकल एग्जीक्यूटिव को भेजेंगे, तो उनसे बात करके बार्गेनिंग करके ले लीजिएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं इस पे, जैसे कि पोस्ट जॉब पे, और मैंने अपना सारा कुछ सेटिंग करके रखा हुआ था। ChatGPT में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो एक वहाँ से कॉपी करता हूँ अपना जॉब पोर्टल जो भी है, जॉब टाइटल, और इसको थोड़ा सजा देते हैं, जिसको जिस हिसाब से मैं बोला था उस हिसाब से वो लिखा हुआ था, तो इसको एक बार सजा के जो जो है लिख लेते हैं। बाकी जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं एक बार यहाँ से। देखिए अभी ये क्या है ना, ये अगर मैं यहाँ पे मैं जब डालूँगा ना, ये आ जाता है मेरा ऐसा, तो अभी क्या है ना और ज़्यादा हो गया, अभी इसको हटाना पड़ेगा, ज़्यादा हटा के फिर जितना चाहिए उस हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा।
बस इसको अपने हिसाब से काट दो जितना चाहिए, मतलब उसका नंबर जो है इतना लेगा। बस अभी उसको बाद आप यहाँ पे स्किल्स जो है आपको जो हिसाब से चाहिए, जैसे मैं डेवलपमेंट के लिए देख रहा हूँ तो मेरे लिए है, अगर आपको मार्केटिंग चाहिए कुछ भी चाहिए आपके मार्केटिंग के हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स, क्या सैलरी आप स्टार्ट करोगे और क्या सैलरी तक आप जा सकते हो। बस हो गया काम खत्म। लोकेशन क्या है, भुवनेश्वर। इंडस्ट्री आपको यहाँ पर थोड़ा आईटी वाले को प्रॉब्लम होता है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर यहाँ पे मिल नहीं रहा है दूसरा कुछ, फिर जो छोड़ो यही डाल देते हैं जो भी हो गया। उसके बाद डन 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 रोल भी डाल देते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 डाल देते हैं। हमारे लिए कोई कैंडिडेट का एजुकेशन मैटर नहीं करता, अगर वो बंदा प्रोग्रामिंग जानता है हम हर कोई कैंडिडेट को हायर कर लेंगे, इसमें हमें कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और ये है क्या है ना, वॉकिंग आपको अगर वॉकिंग चला ये दे दीजिए, ये सबसे बेस्ट चीज़ होता है। क्या होता है ना, इसमें आपको कैंडिडेट को कॉल नहीं करना पड़ता, कैंडिडेट अपने आपसे कॉल कर बोलते हैं सर आज वॉकिंग है क्या, ठीक है सर हम अटेंड करने को रेडी है, तो वो खुद के खुद आ जाएंगे। जो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा ना कि मुझे जॉब मिलेगा जॉब चाहिए, तो वो आने लगेगा, इस पर कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे आपका नंबर नाम, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अगर आप देख भी रहे हो कि हाँ ये मुझे करना है तो आप एक बार जरूर कर लीजिएगा, ये वाला डाल दीजिएगा, और या मुझे कॉल कर लीजिए। हमारे यहाँ पे ओपनिंग चलते रहते हैं तो हम आपको हायर कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं रहे तो हम आगे मतलब शेयर कर लेंगे। ये मांग रहा है, एक आपका मैंडेटरी फील्ड होना चाहिए जिसके हिसाब से आप कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, आपको बस थोड़ा एक बार चेक कर लेना है सब कुछ सही है नहीं है, या तो आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे जाके पोस्ट जॉब कर लो। हो गया, जॉब पोस्ट भी हो जाएगा, बस काम खत्म। 10 मिनट में ये अपना जॉब लाइक हो जाएगा। अगर कोई संबंधा तो सर्च कर रहा है तो अपने आपको हमें कांटेक्ट करेगा। इसमें थोड़ा तो टाइम लगता है, मतलब ये 30 दिन तक या 90 दिन तक जो भी एक्टिव रहता है ना, तो वहाँ तक कुछ ना कुछ मिलते हैं, पर थोड़ा टाइम प्रोसेस है। अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे जाना है तो आप रिज्यूम में जाके कर सकते हैं। तो होप आप ये समझ गए होंगे कैसा क्या करता है, क्या काम करता है। अगर आप जॉब सीखर है भी तो देख लीजिए कि हम किस तरह से पोस्ट करते हैं। कभी कभी ये नहीं है कि आप सिर्फ नौकरी में रिज्यूम डाल दिया और आपको कॉल आने लगेगा। कभी कभी हम अगर इस तरह से डालते हैं ना, आपको यहाँ पे आके अप्लाई करना पड़ता है, हम आपको यहाँ से सर्च नहीं कर सकते। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।